गोरखपुर जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन एआरवी की कमी का संकट बना हुआ है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 150 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज हैं। पीएससी सीएससी में हफ्ते में केवल 2 दिन वैक्सीन लगाने के कारण ज्यादातर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अस्पताल में एआरवी की खपत अधिक हो गई है। जिला अस्पताल में बीते 2 दिन में वैक्सीन की कमी का संकट चल रहा है। मंगलवार को अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया। एआरवी खत्म होने से मरीज भड़क गए। वहीं जिला अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी कक्ष के समक्ष सूचना चस्पा किया है कि एंटी रेबीज वैक्सीन एआरवी कुत्ता काटने की सुई समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लखनऊ को मांग पत्र भेजा गया है। प्राप्त होते ही एंटी रेबीज वैक्सीन एआरवी लगाना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अस्पताल पहुंचे मरीजों के परिजनों ने बताया, मेरा नाम विनीत है। हम दुर्गाबाड़ी से आए हैं। माताजी को बंदर काटा था, इंजेक्शन लगा था, तीसरा इंजेक्शन 7 तारीख को लगना था, तो बता रहे इंजेक्शन है नहीं। क्या बता रहे कब से इंजेक्शन है या कब तक आने की संभावना? अभी तो कुछ बता नहीं रहे, बता रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है। कमलावती, क्या करने आए थे आप? सुई दवाने बच्चे के, कुत्ता काटा है, कुत्ता काटा है। क्या बताया गया? बताया गया कि मैंने सुई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो अरे नहीं रहा। क्या कह रहे हो, कब आने के लिए बता रहे? ये ना बता रहे हैं कब तक आएगा। नागेंद्र कुमार, गांगी बाजार से। क्या हुआ? कुत्ता काटा है लड़के को, 2 सुई लग चुका है, तीसरे नंबर पर आ जाए। क्या बताया गया? ये बताया जा रहा है कि आज सुई इंजेक्शन ही नहीं है, आएगा तो लगेगा। अभी तो कुछ नहीं बताया गया।